सर ये बताएं क्या पूरा मामला था और किसने याचिका दाखिल की थी, याचिका में क्या डिमांड की गई थी और किस आधार पर कास लगाने के बाद कोर्ट ने कही और कोर्ट ने किस आधार पर अब इसको डिस्पोज कर दिया है। ये याचिका जो है महादेव इंटरप्राइजेज के नाम से रेणु खन्ना और मनीष खन्ना ने दाखिल किया था वाराणसी के, हम वहाँ पर एक स्टाल लगाएंगे, गन्ने के रस से महादेव का रुद्राभिषेक होगा, तो रुद्राभिषेक के लिए परमिट नहीं कर रहे थे लोग। उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया वाराणसी डीएम को और नगराधिकारी को, जिसको उन्होंने कंसीडर नहीं किया। इसके बाद वो यहाँ आ गए 2026 में, तो कोर्ट ने जब इस पिटीशन को देखा तो उन्होंने कहा ये कमर्शियल पिटीशन लिया जाए 2026 में एलिजिबल नहीं है, और कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज करते हुए 1,00,000 का जुर्माना लगाना शुरू किया। तो हमने कहा कि माइलर जिसमें भी विद्वान, उन्होंने विद्वान तो कर दिया लेकिन कहा जिसमें भी कंसिडर्ड विल भी कंसिडर्ड नॉट मे शैल भी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट, और इतना करते हुए उन्होंने डिस्पोज आप कर दिया पिटीशन वाली। क्या इसमें मांग की गई थी किस तरह से 70%? इसमें मांग ये की गई थी कि जो हम गन्ने का रस स्टाल लगाएंगे जो उससे बिक्री होगी फायदा होगा वो 70% सरकार को जाएगा और 30% हम अपने कर्मचारियों को प्रयोग करेंगे, उनको देंगे लेंगे। बाई प्रोडक्ट भी बनता है, बाई प्रोडक्ट भी जो भी तैयार होता माल वो मार्केट में बिकता भी, प्रसाद के रूप में भी रहता और जानवर से लेकर आदमी खाने के काम आता। वो कोर्ट ने इसे माना नहीं, कोर्ट ने इसको माना नहीं। किस कोर्ट में सुनवाई हुई? चीफ जस्टिस साहब के यहाँ। हृदय नारायण पांडे एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। क्या पूरा मामला था और किसने याचिका दाखिल की थी, याचिका में क्या डिमांड की गई थी और किस आधार पर कास लगाने के बाद कोर्ट ने कही और कोर्ट ने किस आधार पर अब इसको डिस्पोज कर दिया है। ये याचिका जो है महादेव इंटरप्राइजेज के नाम से रेणु खन्ना और मनीष खन्ना ने दाखिल किया था वाराणसी के, हम वहाँ पर एक स्टाल लगाएंगे।